सब्सक्राइब कीजिए टेकमाइंडवर्ड चैनल को और सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं टेकमाइंडवर्ड। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको देना बैंक के UPI ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना, बैंक अकाउंट को लिंक करना और ट्रांजेक्शन करना बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे। यहाँ सर्च बार में टाइप करेंगे देना बैंक UPI। ये देखिए, ऊपर भीम देना UPI ऐप आ गया है। इस पर क्लिक कर लेंगे। मैंने इस ऐप का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब इंस्टॉल पर क्लिक कर लेते हैं। अब एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। ऐप का साइज लगभग 4 MB का है। अगर इंटरनेट स्पीड फास्ट है तो ऐप कुछ ही समय में इंस्टॉल हो जाएगी। ये देखिए, ऐप इंस्टॉल हो गई है। चलिए अब ओपन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। देना बैंक UPI रजिस्ट्रेशन के लिए SMS के द्वारा मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जाएगा। SMS चार्जेबल होगा और रजिस्ट्रेशन करते टाइम मोबाइल डेटा और इंटरनेट ऑन रखना होगा। ये सारी चीजें चेक करने के बाद एक्टिवेट पर क्लिक कर देंगे। अब बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड सिम कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर अपनी डिटेल भरनी होगी। यहाँ पर क्लिक करके टाइटल नेम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल देंगे। यहाँ पर लास्ट नेम डाल देंगे। यहाँ ईमेल आईडी डाल देंगे। यहाँ पर अपनी पसंद का वर्चुअल एड्रेस रख लेंगे और यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि जो वर्चुअल एड्रेस हमने रखा है वो अवेलेबल है या नहीं। ये देखिए, एड्रेस अवेलेबल है। अब इस एरो पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर डाल देंगे। अब यहाँ पर ऐप का लॉगिन पासवर्ड रखना है। चलिए पासवर्ड रख लेते हैं। कंफर्म में भी सेम पासवर्ड डाल देंगे। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन के चेकबॉक्स में टिक कर देंगे और क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। अब पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। अब सबसे पहले मैनेज अकाउंट पर क्लिक करके बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। अब यहां ऐड पर क्लिक करेंगे। अब यहां सेलेक्ट बैंक पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, यहां सभी बैंक दे रखे हैं। आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसे यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर क्लिक करके अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। इस चेक बॉक्स में टिक करके ट्रांजेक्शन UPI पिन जनरेट और रीसेट कर सकते हैं। अगर आपने लिंक किए गए अकाउंट के साथ UPI पिन पहले से सेट कर रखा है तो यहाँ पर भी वही UPI पिन यूज कर सकते हैं। चलिए मैं UPI पिन जनरेट और रीसेट करना बता देता हूँ। चेक बॉक्स में टिक करेंगे। UPI पिन रीसेट के लिए कन्फर्म किया जा रहा है, इसे ओके कर देंगे। अब यहाँ डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट डाल देंगे। यहाँ से कार्ड एक्सपायरी ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। यहां से एक्सपायरी मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और सेट MPIN पर क्लिक कर देंगे। आगे आपको UPI पिन रखने के लिए बोला जाएगा। आप अपनी पसंद का कुछ भी UPI पिन रख सकते हैं। मैंने अपने लिंक किए गए अकाउंट के साथ UPI पिन पहले से सेट कर रखा है, इसलिए मैं UPI पिन सेट नहीं करूंगा। चलिए यहां से वापस चलते हैं। अब ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, बैंक अकाउंट ऐड हो गया है, इसे ओके कर देंगे। चलिए अब मैं आपको बैंक अकाउंट और BPA पर रुपए भेजना और बेनिफिशियरी ऐड करना बता देता हूँ। यहाँ से बैक चलते हैं। सबसे पहले बेनिफिशियरी ऐड करेंगे। मैनेज बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे। अब नीचे ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। अब सेलेक्ट टाइप पर क्लिक करेंगे। पहले हम एक बैंक अकाउंट ऐड कर लेते हैं। यहाँ अकाउंट IFSC पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर बेनिफिशियरी का निकनेम डाल देंगे। अगर निकनेम नहीं है तो अपने नाम को ही शॉर्ट में डाल देंगे। यहाँ पर बेनिफिशियरी का पूरा नाम डाल देंगे। यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देंगे और यहाँ पर IFSC कोड डाल देंगे और ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए, बेनिफिशियरी ऐड हो गया है। अब एक वर्चुअल एड्रेस ऐड कर लेते हैं, इसे ओके कर देंगे। अब फिर से नीचे ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। अब सेलेक्ट टाइप पर क्लिक करेंगे। अब वर्चुअल एड्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे।
यहाँ बेनिफिशियरी का निकनेम डाल देंगे, यहाँ पर पूरा नाम डाल देंगे, यहाँ बेनिफिशियरी का वर्चुअल एड्रेस डाल देंगे और ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए बेनिफिशियरी ऐड हो गया है, इसे ओके कर देते हैं। अब चलिए मैं आपको ट्रांजेक्शन करना बता देता हूँ। यहाँ से बैक चलते हैं, अब यहाँ पे पर क्लिक करेंगे, अब सेलेक्ट अकाउंट पर क्लिक करके अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे जिस अकाउंट से रुपए भेजने हैं। ये देखिए यहाँ रुपए भेजने के लिए दो ऑप्शन दे रखे हैं, पे और क्विक पे। पे पर क्लिक करके बेनिफिशियरी लिस्ट में सेव अकाउंट नंबर और वर्चुअल एड्रेस पर रुपए भेज सकते हैं, और क्विक पे पर क्लिक करके डायरेक्ट किसी के भी वर्चुअल एड्रेस पर रुपए भेज सकते हैं। चलिए पहले हम पे के द्वारा रुपए सेंड करते हैं, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करके बेनिफिशियरी टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। पहले हम अकाउंट में रुपए भेजेंगे तो अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से बेनिफिशियरी सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर रुपए डाल देंगे, रिमार्क्स में नरेशन डाल देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब UPI पिन डालकर ओके कर देंगे। अब डिटेल कंफर्म की जा रही है, डिटेल सही है तो कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए पेमेंट सक्सेसफुली सेंड हो गया है। अब चलिए वर्चुअल एड्रेस पर रुपए भेजते हैं, इसे ओके कर देंगे। अब फिर से पे पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, अब पे पर क्लिक करेंगे, यहाँ से बेनिफिशियरी टाइप सेलेक्ट कर लेंगे वर्चुअल एड्रेस, यहाँ से बेनिफिशियरी सेलेक्ट कर लेंगे, अब यहाँ पर रुपए डाल देंगे, रिमार्क्स में नरेशन डाल देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब UPI पिन डालकर ओके कर देंगे। अब यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए रुपए सेंड हो गए हैं। अब मैं आपको क्विक पे के द्वारा रुपए भेजना बता देता हूँ, इसे ओके कर देते हैं। फिर से पे पर क्लिक करेंगे, अब बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, अब क्विक पे पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर बेनिफिशियरी का वर्चुअल एड्रेस डाल देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर रुपए डाल देंगे, रिमार्क्स में नरेशन डाल देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब UPI पिन डालकर ओके कर देंगे, अब कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए रुपए सेंड हो गए हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि रुपए के लिए रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं, इसे ओके कर देते हैं, यहाँ कलेक्ट पर क्लिक करेंगे। चलिए क्विक कलेक्ट के द्वारा रिक्वेस्ट भेजते हैं, इसे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर पे का वर्चुअल एड्रेस डाल देंगे। अब यहाँ से रिक्वेस्ट एक्सपायरी पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर रुपए डाल देंगे जितने रुपए के लिए रिक्वेस्ट भेजनी है, रिमार्क्स में नरेशन डाल देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए रिक्वेस्ट चली गई है, इसे ओके कर देते हैं। स्कैन एंड पे पर क्लिक करके आप QR कोड को स्कैन करके रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। बैलेंस इंक्वायरी पर क्लिक करके अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट करिए और चेक बैलेंस पर क्लिक कर दीजिए। अब UPI पिन डालकर ओके कर दीजिए। ये देखिए अकाउंट बैलेंस शो हो गया है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।